जी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया, क्योंकि आज हमारे समाज में इतनी बुराई फैल चुकी है कि हमारी बेटी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, कुछ भी ऐसे कार्य नहीं सकते कर सकते। अगर एक दिन निकलेंगे तो सबसे पहले अपनी माए नु कहोगी, देखिए बेटी ध्यान से जाइए, चारों बढ़ने बुराई फैल गई है। और ऑनर किलिंग की जो बताई है, दहेज प्रथा की बताई है, मैं उस हर एक बात से सहमत हूँ। और रही बात आज हमारी बेटी की शादी की, तो बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि ऐसे अगर गलती ना भी करे, क्योंकि हमारे समाज में सभी बेटियां ऐसी नहीं है जो गलती करती हैं, कुछ बेटी उनके साथ पीसी भी जाती हैं, जो बढ़िया होती हैं, पढ़ने की इच्छा होती है, कुछ बनने की इच्छा होती है, उनके अंदर जज्बा होता है, हौसला होता है, सिर्फ कुछ चंद लड़कियों की वजह से उनका हौसला दबा दिया जाता है और शादी के लिए उन्हें उत्साहित कर दिया जाता है। और रही बात 18 साल तो बहुत अच्छी उम्र है, क्योंकि बेटी समझ भी जा है, अगर उसकी बेटी का फैसला है, घर क्या का फैसला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, बेटी की शादी कर देनी चाहिए। कुछ ऐसे गरीब परिवार भी हैं जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं सकते, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो माँ बाप ने सोचा करे भाई सुथरा घर बस अपने देख की और बेटी की शादी करी जावे। तो मैं सांगवान साहब जी के हर एक फैसले से सहमत हूँ। और रही बात अब किसान आंदोलन की, जो हमारी जीत थी वो सबसे अहम थी, उसमें हमारी एकता थी, जो हमारी जात पात धर्म भेदभाव को अलग रख के इकट्ठा होकर जो हमने संघर्ष किया, उसमें हमारी जीत हुई, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। और एक अनुरोध भी करती हूँ कि आने वाले समय में भी ऐसे ही आप सब इकट्ठा रहे, क्योंकि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है मेरे देश प्रदेश के ऊपर, तो सबसे अहम बात हमारी एकजुटता की, एकता की होती है। क्योंकि अगर इंसान एकजुटता परिवार से ही देख लो, अगर हमारे परिवार में चार सदस्य हैं, चारों बिखरे बिखरे हैं हम, तो दूसरा भी नुका होगा, जान है तेरे परिवार के लोग तो इकट्ठे होने और तू आर हमारी सफाई देने लग रहा है। तो परिवार की नींव, हमारे समाज की नींव हमारी एकजुटता होती है, उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एकजुटता के बिना हमारा संघर्ष अधूरा है, और इसी की हमने देखा भी है किसान आंदोलन की जीत, क्योंकि हमारी एकता की जीत है। इसी में हम अलग अलग हो जाते, तो 2016 जाट आरक्षण आज भी, जिसमें मेरे पति दलजीत सिंह सिसाए जेल में बंद है 6 साल हो गए लगातार, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, ना हमें जाट आरक्षण मिला और ना ही जो बच्चे जेल में है वो बाहर निकले, क्योंकि तब हमारी एकता नहीं थी। यशपाल मलिक वर्गे ठग उसके प्रधान बनाए गए और आज उनका रिजल्ट अनेक परिवार मेरे हरियाणा में भुगत रहे हैं, और जो जवान बच्चे बाहर पड़े आज उनके परिवार मेरे जैसी बहन बेटी आज दर दर ये सोचने के लिए मजबूर हो जाती है अगला कदम क्या उठाया जाए और कैसे कार्य किया जाए। तो मैं आप सभी से, मेरे काम प्रधानों से और जितनी भी मेरी माता बहन आई है, उनसे एक ही विनती करती हूँ कि किसान आंदोलन की जीत हमने हासिल की है, और इसी तरह 2009 से जो जाट आरक्षण का संघर्ष करते आए हैं, उस पर भी एक बार हमें सोच समझ के विचार करना चाहिए, क्योंकि मनोहर लाल के आज तक सभी बातें झूठे रहे हैं और हमेशा भी झूठे रहेंगे। अभी हमें कदम उठाना पड़ेगा आगे और एकजुटता दिखानी पड़ेगी, तभी हमारी जीत हासिल होगी। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।